थोड़ी बहुत बड़ी हुई है अभी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं। किसको मौका देंगे इस बार चुनाव में? मोदी को। महंगाई है कि नहीं? महंगाई बहुत है। पिछले दिनों का काम आपको कैसा लगा, जो पिछले 27 काम तो अच्छा ही है सब। काम अच्छा है। हमको तो मोदी के गाँव के तो मोदी को ही वोट देगा। जब तक माननीय श्री वडाप्रधान नरेंद्र भाई है तब तो भाजपा सरकार चलेगी। गरीबी और महंगाई बहुत बढ़ा दी है। मानते हैं ये चीज महंगाई है? हाँ, महंगाई। गरीबी बहुत हो गई। गरीबी बहुत, भाड़ा भर रहे हैं, अभी पूरा नहीं हो रहा है। सरकार बीपीएल काट दे, वो राशन सब काट दिए सरकार ने, क्या करे। सरफराज भाई कितने साल हो गए आपको यहाँ? 20 साल। वो भी यहाँ काम क्या करते हैं? काम यहाँ चप्पल की लारी लगा दूँ। आप ये देखते हैं? हाँ। क्या लगता है 20 साल में, सबसे पहले बताइए आपकी काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा भी ठीक चल रहा है। गरीबों और किसानों की कमाई डबल हो चुकी है, ऐसा कुछ है? नहीं, चल रहा है अभी, सब चल रहा है। सभी नहीं, डबल भी हो, लेकिन कम भी नहीं हुई। महंगाई को लेकर क्या? महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी हुई है अभी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि पब्लिक खा ना सके। क्या लगता है वडनगर में? तो मैं जितने से बात कर रहा हूँ मैक्सिमम लोग मोदी की तरफ झुक रहे हैं, आपका इरादा कहाँ है? हमको तो मोदी के गांव के तो मोदी को ही वोट देगा। तो अच्छा, ये बार बार गांव का जिक्र हो रहा है, गांव के हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं काम के लिहाज से बात करूँ तो क्या लगता है? अभी भी काम भी तो है, नहीं ऐसा नहीं, जो काम करना चाहेगा वो काम होगा ही। मोदी सरकार में काम हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ स्कूल में कभी आए हैं? वो स्कूल में एक बार आए थे। एक बार जब प्रधानमंत्री बने तब आए थे ना। क्या माहौल था? कुछ बदलाव हुआ है तब से? वैसा ही है स्कूल? ऐसे ही है स्कूल। स्कूल में कोई परिवर्तन नहीं किया? नहीं। मैं देख रहा हूँ बिल्डिंग काफ़ी थोड़ी पुरानी लग रही है मुझे, कुछ डेंट पेंट नहीं हुआ। बन चुकी है बिल्डिंग? तो पीछे वाला सब जो रिपेयर हो रहा है। आप किसको मौका देंगे इस बार चुनाव में? मोदी को। आप भी मोदी को? हम मोदी को ही देंगे। आप सब, आपका नाम क्या है? मोदी रवि नाम ही आपका? अरे गुरु वाह, आप किसे वोट देंगे? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ है। आपका नाम तो मोदी है, आपने डिसाइड ही नहीं किया? नहीं। क्यों डिसाइड नहीं किया? क्या लग रहा है 27 साल से बीजेपी है, कुछ कमी लग रही है, इस वजह से डिसाइड नहीं किया? या फिर नहीं, तब और पार्टी को भी परखना चाहते हैं? नहीं, तब की तब देखेंगे, टाइम तो आने दो इलेक्शन। काम कैसा लग रहा है? तब की छोड़िए, पिछले दिनों का काम आपको कैसा लगा, जो पिछले 27 साल? काम तो अच्छा ही है। काम अच्छा है, संतुष्ट हैं काम से? हाँ, संतुष्ट। क्या ड्यूटी करते हैं आप भी? फेरी वेरी लगाते हैं कुछ? नहीं, यहीं पर फेरी लगाते हैं। आपकी दुकान है? काम हम सही चल रहा है आपका? हाँ, काम तो सही चल रहा है। काम बढ़िया चल रहा है। महंगाई को लेके क्या विचार है कि नहीं है? महंगाई अभी थोड़ी है। कहाँ पे रहते हैं? यहाँ गोरवाड़े में, गोरवाड़ा सीरियन है, वहाँ पे 1500 रुपया महीना भाड़ा रहता हूँ। खाना धंधा वंदा है नहीं, खाना वाना निकलता नहीं, क्या करे। महंगाई है कि नहीं? महंगाई बहुत है, क्योंकि बीजेपी वाले कहते हैं महंगाई तो है ही नहीं। और वो जो बीपीएल कार्ड था वो भी अभी रद्द करवा दिए, कोई हो तो कोई ले ना गरीब आदमी। क्यों रद्द करवा दिया? क्या करे सरकार, राशन आपको नहीं मिलता? राशन नहीं मिलता सरकार? राशन मिलता है पर बहुत कम मिलता है, पहले जैसा नहीं। वो गेहूँ मिलता वो भी बंद हो गया, अब तो चोखा मिल रहा है, चोखा में नहीं हो पाता वो भी नहीं। वो केरोसिन मिलता था वो भी बंद। वोट किसे देंगे इस बार चुनाव में? अब वो तो अपने मन की मर्जी। मन की मर्जी है, फिर भी 27 सालों में क्या लगता है काम हुआ है? हुआ तो है ही। तो भाजपा को वोट देंगे या फिर किसी और पार्टी को मौका देंगे? वो तो समझ सोच के देंगे यार। वोटर आईडी कार्ड है ना आपका? वोटर आईडी कार्ड है? वोट देते हैं ना आप? वो तो है, वोट देते हैं ना? है। चलिए कोई बात नहीं, जिसे भी दीजिएगा अच्छे से दीजिएगा, मन से देंगे। लेकिन महंगाई, गरीबी बहुत हो गई। गरीबी बहुत, भाड़ा भर रहे हैं, अभी पूरा नहीं हो रहा है। सरकार बीपीएल काट दे, वो राशन सब काट दिए सरकार ने, क्या करे। चलिए कोई नहीं, आपका राशन जुड़े, अपील करते मकान बनना भाई, गरीबों का राशन वाशन जुड़वाइए। कई गरीबों के मुंह से सुनने को मिल रहा है कि सरकार ने उनका राशन कार्ड दिया है, बनवा दो, भाड़ा बनना बन। गरीबों के लिए भाड़ा बहुत महंगा पड़ता है, मकान वकान इनके पास नहीं है। राशन में जो गेहूँ मिलता है वो गेहूँ भी बंद हो चुका है, कह रहे हैं सिर्फ चावल से काम नहीं चलता। नहीं, भाड़ा नहीं बढ़े तो आपसे विनती है कि गरीबों की मदद करिए, उन्हें जो सुविधाएं मिल रही है वो लगातार बनी रहे, उन्हें खत्म मत करिए। चलिए बॉस, आपकी बात रख दी है, कोशिश करेंगे कि आपकी बात पहुंचे, है ना। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी, हाँ। वैसे तो गरीबी और महंगाई बहुत बढ़ा दी है। मानते हैं ये चीज़ महंगाई है? हाँ, महंगाई है। सरकार कहती है महंगाई है ही नहीं, और पब्लिक को कमजोर बना दिया है। पब्लिक को कमजोर बना दिया कैसे? मतलब ऐसे नहीं मालूम, ये मुफ्त में बांटते हैं, इसीलिए पब्लिक वर्क करना ही नहीं मान जानती। मुफ्त में नहीं बांटना चाहिए कुछ। इस बार किसको वोट देंगे? है ना, आप आम आदमी पार्टी, आप मतलब बदलाव चाहते हैं अब आप, कोई दूसरी पार्टी? हाँ बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि हम थक पक गए हैं।
पक गए हैं, मतलब 27 साल बहुत ज़्यादा हो गए हैं आपको। आप बदलाव चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को लेके आना चाहते हैं, आगे लेके आते हैं भाई। अब टकराए हो तो बात कर लो यार। क्या नाम है आपका? रोशन। कौशल? रोशन। रोशन, क्या लगता है माहौल कैसा है, कौन सी पार्टी जीत रही है इस बार? मोदी सरकार है। मोदी सरकार है, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है इस बार बीजेपी साफ हो जाएगी, हमारी लहर है, नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा कुछ है? जब तक माननीय श्री वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई है तब तो भाजपा सरकार चलेगी। अच्छा, ये उनका गांव है इस वजह से आप वोट कर रहे हैं या नहीं, काम नहीं, नहीं, हुआ नहीं। है इस वजह से? काम हुआ है, काम हुआ, ये मानते हैं। दोबारा मौका देंगे बीजेपी को? हाँ हाँ।